नौहा गए सख्त मुशा चल रहे है रह गुजर बन गया खुद करबला बन गया खुद करबला मुसाफिर शाम मुसाफिर शाम गमजदा बेनवा गमजदा बेनवा मुसाफिर शाम मुसाफिर शाम प्यास है बेआस है सो चुका अब्बास है प्यास है बेआस है सो चुका अब्बास है जख्म तन्हाई के है कौन इसी के पास है सब्र का है अब खुदा सब्र का है अब खुदा मुसाफिर शाम मुसाफिर शाम गमजदा बेनवा गमजदा बेनवा मुसाफिर शाम मुसाफिर शाम गश्म भी बेदार है इस कदर गमखार है गश्म भी बेदार है इस कदर गमखार है आबले है पाँव में आबलो में खार है सह रहा है हर सजा सह रहा है हर सजा मुसाफिर शाम मुसाफिर शाम गमजदा बेनवा गमजदा बेनवा मुसाफिर शाम मुसाफिर शाम सर खुले कुनबा मेरा विर्द फौजे अश्किया सर खुले कुनबा मेरा विर्द फौजे अश्किया कोई ना पहचान ले या जना बे सैयदा कर रहा है ये दुआ कर रहा है ये दुआ मुसाफिर शाम मुसाफिर शाम गमजदा बेनवा गमजदा बेनवा मुसाफिर शाम मुसाफिर शाम ऊँट से गिरते हुए कितने बच्चे मर गए ऊँट से गिरते हुए कितने बच्चे मर गए माए रोती रह गई अश्किया हंसते रहे लाश बन कर रह गया लाश बन कर रह गया मुसाफिर शाम मुसाफिर शाम गमजदा बेनवा गमजदा बेनवा मुसाफिर शाम मुसाफिर शाम क्या लिखे रेहान अब क्या पढ़े रेहान अब
क्या लिखे रेहान अब, क्या पढ़े रेहान अब, खून उगलता है कलम, मैं दुआ करता हूँ अब, कर मुझे कुवत अता, कर मुझे कुवत अता, मुसाफिरे शाम, मुसाफिरे शाम, गमजदा बेनवा, गमजदा बेनवा, मुसाफिरे शाम, मुसाफिरे शाम, या सैयद सज्जाद, या ज़ैनुल आबिदीन, सल्लवात मुहम्मद فاتحة اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھیں گے محمد وعلى عزیزان گرامی، انسان اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے،
इंसान को खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बेशुमार ज़रूरतें इंसान की हैं जिनके बग़ैर इंसान की ज़िंदगी की बका और इर्तका मुश्किल हो जाएगी, बल्कि बाद हालात में नामुमकिन हो जाएगी। इंसान उन ज़रूरतों को पूरा किए बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ये अल्लाह का करम है, ये उसका एहसान है कि उसने हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का इंतज़ाम किया है। अगर हमें पानी की ज़रूरत है तो उसने पानी फराहम कर दिया, अगर हमें ख़ुराक की ज़रूरत है उसने ख़ुराक का इंतज़ाम कर दिया। ये और बात है कि हमारे हिस्से का खाना पानी कोई और ले उड़े, हम भूखे और प्यासे रह जाएं, लेकिन परवरदगार ने उसका इंतज़ाम किया है। एक ज़रूरत इंसान की ऐसी है जो तमाम ज़रूरतों पर भारी है, तमाम ज़रूरतों से बढ़ के है। वो ज़रूरत है हिदायत की ज़रूरत। कोई हो जो उसे रास्ता दिखाए, कोई हो जो उसे उसकी रहनुमाई करे, कोई हो जो उसे खैर व शर में तमीज़ सिखाए, उसे बताए कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या तुम्हारे लिए बुरा है। ये इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर खाना न मिला, पानी न मिला, ऑक्सीजन न मिली तो क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी है यही हमारी ख़तरे में पड़ जाएगी। लेकिन अगर हिदायत और रहनुमाई से महरूम रह गए तो जो अबदी ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है, यानी आखिरत की ज़िंदगी, वो हमारी ख़तरात का शिकार हो जाएगी। एक सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। इंसान हिदायत और रहनुमाई का इसलिए मोहताज है कि जब इंसान इस दुनिया में कदम रखा, जब इंसान माँ के पेट से पैदा हुआ तो वो कुछ नहीं जानता था। क़ुरान मजीद में इस हकीकत को इन लफ्ज़ों में बयान किया गया है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट से इस तरह से पैदा किया कि तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं था। जाल व जाला लकुम अस्समअ वल अबसारा वल अफ़ीदा लअल्लकुम तशकुरून। पैदा इस हाल में किया कि तुम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उसी हाल में उसने सीखने के ज़राए तुम्हारे लिए फराहम कर दिए, वो वसाइल जिनके ज़रिए तुम इल्म व मारफत हासिल कर सकते हो वो तुम्हें दे करके भेजा। इल्म व मारफत दे के नहीं भेजा है, इल्म व मारफत हासिल करने का वसीला तुम्हें दे करके भेजा है। क्या है वह वसीला? जाला लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़ीदा। अल्लाह ने तुम्हें कान दिया है, अल्लाह ने तुम्हें आँखें दी हैं, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल व दिल अता किया है इदराक करने के लिए। ये आँख, ये कान, ये दिल और अक्ल क्या है? मारिफत के ज़राए हैं, इल्म हासिल करने का वसीला है। क्यों दिया है तुम्हें हमने ये ज़राए? इल्म का मकसद क्या है, मारफत का मकसद क्या है, जान के क्या करोगे? मकसद है लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सको। मकसद इल्म शुक्र खुदा है, मारफत का मकसद अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अलबत्त शुक्र दो तरह का होता है, एक जाहिलाना शुक्र है, एक आलिमाना शुक्र है। जाहिलाना शुक्र क्या है? आमतौर से वो शुक्र हम लोग किया करते हैं, खाना खाया, खाना खाने के बाद तोंद पे हाथ फेर करके लंबी सी डकार लेके कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुक्र जाहिलाना शुक्र है। आलिमाना शुक्र क्या है?
आलेमाना शुक्र ये है कि अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी हैं उनका वही इस्तेमाल करें जहां उसने हुक्म दिया है। आंखें अगर अल्लाह ने दी है तो अब आंखों से वही चीजें देखें जिससे वो राजी है। कान अगर दिया है तो कान से वही सुने जो परवरदिगार को पसंद है। अक्ल अगर अल्लाह ने दी है तो अक्ल का इस्तेमाल वही करें जहां अल्लाह को पसंद है। इंसान जबान से तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहे, जबान से अशुक्रुलिल्लाह कहता रहे, लेकिन नेमतों का इस्तेमाल उसकी मर्जी के खिलाफ अगर करता है तो ये शुक्र नहीं है, ये नाशुक्री है। अल्लाह ने पैदा जो हमें किया तो हम कुछ नहीं जानते थे, इल्म व मारिफत हासिल करने के लिए उसने ज़राए दे दिए, वसीला दे दिया, औजार दे दिया हमें सीखने के लिए, आँख की शक्ल में, कान की शक्ल में और दिल और अक्ल की शक्ल में। लेकिन अजीज़ो औजार का होना काफ़ी नहीं होता है जब तक औजार का चलाना ना आता हो। कोई ऐसा भी हो जो हमें सिखाए तो कि हम कान से क्या सुने, आंखों से क्या देखें, अक्ल का इस्तेमाल कहाँ करें। ये नेमत उस नेमत से बढ़ करके है। जब अल्लाह ने हमें इल्म व मारिफत का वसीला दिया, इल्म व मारिफत का औजार हमें दिया, उसका करम था, उसका एहसान था। बहुत बड़ी नेमत है ये आँख, बहुत बड़ी नेमत है ये कान, बहुत बड़ी नेमत है ये अक्ल। लेकिन उससे बड़ी नेमत ये है जब अल्लाह ने हमें अक्ल के इस्तेमाल का तरीक़ा सिखाया, आँखों को इसके इस्तेमाल का तरीक़ा सिखाया। चुनांचे जिस वक्त जनाबे मूसा और जनाबे हारून फिरौन के दरबार में हुक्म खुदा से गए, इज़हबा इला फिरौन इन्नहु तगा, जाओ फिरौन के पास, वो सरकश हो गया है, उसकी हिदायत के लिए जाओ, उसकी रहनुमाई के लिए जाओ। जब जनाब मूसा और हारून आए फिरौन के पास और फिरौन के सामने अपना मिशन रखा, उसे अल्लाह की तरफ दावत दी, फिरौन जान के अनजान बन गया। तजाहुले आरफाना से काम लेकर के सवाल करता है जनाब मूसा और हारून से, मन रब्बुकुमा या मूसा, किस परवरदिगार की बात कर रहे हो, किस रब की तरफ तुम हमें दावत दे रहे हो? रब तो मैं हूं, वो भी अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब तो मैं ही हूं। अब ये कौन सा रब है जिसकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो? जनाबे मूसा ने अल्लाह जल्ला शानो अपने परवरदिगार के तआरुफ के तौर पर जुमला कहा, बहुत सारे सिफात अल्लाह के हैं, बहुत सारे कमालात अल्लाह के हैं, सब को छोड़ करके क्या फरमाते हैं, रब्बुनल्लज़ी अता कुल्ल शैइन सुम्मा हदा, हमारा परवरदिगार वही है जिसने हर मखलूक को जो औजार उसे ज़रूरी था वो उसे दे दिया। अगर आँखें ज़रूरी थी आँख दे दिया, कान ज़रूरी था कान दे दिया, हाथ ज़रूरी था हाथ दे दिया, दांत ज़रूरी था दांत दे दिया, जिसे गोश्त खाने वाले दांत की ज़रूरत थी उसे गोश्त खाने वाला दांत दे दिया, जिसे घास खाने वाले दांत की ज़रूरत थी उसे वो दांत दे दिया, जिसे जिस चीज़ की कुल्ल शय, फ़कत इंसान की बात नहीं हो रही है, पूरी कायनात में कोई एक शय भी ऐसी नहीं है जिसे अल्लाह ने उसे उसका ज़रूरी औजार न दिया हो। सिर्फ औजार नहीं दिया है बल्कि औजार का चलाना भी सिखा दिया, औजार का इस्तेमाल करना भी सिखा दिया। क्योंकि अगर आपके पास औजार मौजूद है मगर उसका इस्तेमाल आपको नहीं आता तो औजार बेकार है। फर्ज कीजिए अस्पताल में कोई हार्ट पेशेंट आया हुआ है, उसकी सर्जरी करना है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, अब लोग आए मौलाना साहब आप चलिए आप चल के सर्जरी कर दीजिए, तो मैं यही तो जवाब दूंगा, भाई मैं मौलवी हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सर्जन नहीं हूँ। कहेंगे नहीं, घबराने की क्या बात है, सर्जन साहब जिन औजार से ऑपरेशन करते हैं वो सब मौजूद है। जवाब तो मैं यही दूंगा, औजार मौजूद है, उन औजार का इस्तेमाल मुझे नहीं आता है। लिहाजा औजार का होना काफ़ी नहीं है। आपके दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हुई है, आपको गाड़ी चलाना नहीं आती और ना कोई ऐसा ड्राइवर मिल रहा है जो गाड़ी को चला सके, जिस गाड़ी का क्या फ़ायदा, एक गाड़ी कूड़े के सिवा और कुछ होगी? गाड़ी
की कीमत तभी होगी ना जब गाड़ी चलाना आता हो। अल्लाह ने औजार तो दे दिया, आंख की शक्ल में, कान की शक्ल में, अक्ल की शक्ल में, सिर्फ औजार नहीं दिया। जनाबे मूसा फरमाते आता कुल शय इन खलका, हर शय को उसका जरूरी औजार भी दिया, सुम्मा हदा, फिर औजार का चलाना भी सिखा दिया, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वो है हमारा परवरदिगार। यानी जनाबे मूसा ने अल्लाह के इतने सारे सिफात में सिर्फ सिफत हिदायत ऐसी सिफत थी जिसे अल्लाह के तआरुफ के लिए बयान किया है। तो पता चला कि ये जो नेमत हिदायत है ये तमाम नेमतों से बरतर है। इतनी अहमियत है नेमत हिदायत की कि देखिए अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, हर नेमत अपनी जगह पर बेबहा है, उसकी कोई कीमत मुअय्यन नहीं की जा सकती। आँख की कोई कीमत मुअय्यन हो सकती है? जबान की कोई कीमत मुअय्यन हो सकती है? हाथ की कोई कीमत है? अक्ल की कोई कीमत है? इनकी कीमत तो तब समझ में आती है जब हम इन नेमतों से महरूम हो जाते हैं। चूँकि हमारे पास आंखें मौजूद हैं हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, ज़बान मौजूद है इसकी कीमत का हमें अंदाज़ा नहीं है, हमारा हाल तो उस मछली जैसा है जो समंदर में तैर रही है, उसे पानी की कीमत नहीं मालूम है। पानी की कीमत का कब अंदाज़ा होता है? जब मछली को समंदर से निकाल के खुश्की पर डाल दिया जाए, उछल उछल करके बताती है कि पानी कितना कीमती था। हमारा भी वही हाल है, हम तो इन नेमतों को नेमत समझते ही नहीं हैं। अगर नेमत समझते होते तो शुक्र अदा करते, शिकवा न करते। हम तो हमेशा शिकवा ही करते, अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है, अल्लाह ने तो अगर दिया है तो अंबानी भाइयों को दिया, अरे भाइयों को नहीं, अब तो भाई रह गया, उन्हें दिया है, मुकेश अंबानी को अल्लाह ने नवाजा, हमें क्या दिया है? आपको कुछ नहीं दिया है। जिस जबान से आप अल्लाह का शिकवा कर रहे हैं, जबान की कितनी कीमत है? इसकी कीमत तो तब पता चलेगी जब गूंगे हो जाओगे। अगर इंसान गूंगा हो जाए और फिर इलाज के लिए पूछा जाए कितना खर्च करोगे, कोई हद मुअय्यन है? जितना है सब देने को तैयार हो जाएगा ताकि कुव्वत गोयाई वापस मिल जाए। आंखों की क्या कीमत है? ये हाथ की क्या कीमत है? ये सारी नेमतों की कीमत तब समझ में आती है जब ये नेमतें छिन जाती हैं, उससे पहले हमें इसका अंदाजा नहीं हो पाता। अजीजो अल्लाह ने जितनी सारी हजारों लाखों करोड़ों नेमतें दी हैं, वो नेमतें जिन्हें हम पहचानते भी नहीं हैं, हम जानते भी नहीं हैं कि ये भी हमारे लिए नेमत है। अल्लाह ने किसी भी नेमत पर एहसान नहीं जताया है। पूरा कुरान उठा करके देख लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि परवरदिगार ये कहे कि मेरा एहसान है कि हमने तुम्हें पानी दिया, हमारा एहसान है कि हमने तुम्हें ऑक्सीजन दिया, हमारा एहसान है कि हमने तुम्हें आँखें दी, हमारा एहसान है कि हमने तुम्हें अक्ल से नवाजा, कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह ने नेमतों का जिक्र तो किया है, सूरह रहमान में, सूरह वाकिया में नेमतों का जिक्र है। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने परवरदगार की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? मगर कहीं एहसान नहीं जताया है। बस एक नेमत ऐसी है कि अल्लाह ने जब ये नेमत हमें दी है तो एहसान जताया। वो कौन सी नेमत है? वो नेमत हिदायत है, वो नेमत रहनुमाई है। जब अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाने वाला अता किया, जब अल्लाह ने हमें इन औजार को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया, तरीका सिखाने वाला हमें भेजा, हमारे पास भेजा, तो वहाँ एहसान जताया। कुरान मजीद में है लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज बअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يقينا احسان ہے اللہ کا किस पर एहसान है? मोमिनों पर एहसान है अल्लाह का। कब एहसान है? जब अल्लाह ने उन्हीं में से एक रसूल उनके दरमियान भेजा जो उनके पास आकर के अल्लाह की आयतों की तिलावत करता था,
उनके नफ्सों का तस्किया करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है। जब हिदायत वाला हादी आया तब जा कर के अल्लाह ने कहा कि हमारा एहसान है तुम्हारे ऊपर, तो पता चला कि नेमत हिदायत सबसे अहम नेमत है, इससे बड़ी नेमत कोई और नहीं हो सकती है। हादी जो अल्लाह ने भेजा, लेकिन अजीजो हादी का सिर्फ आ जाना काफ़ी नहीं है बल्कि हादी को पहचानना भी तो ज़रूरी है, उसकी मारिफत भी ज़रूरी है, कौन है जिसे अल्लाह ने हादी बना करके भेजा है। क्योंकि अगर हम उसे ना पहचानेंगे तो कहीं ऐसा ना हो रहबर की शक्ल में रहजन का इंतखाब कर बैठे। कितने ही हैं जिनका काम बहकाना है मगर वो अपने को हादी कहते हैं। शैतान यही तो करता है ना, शैतान बहकाता है मगर अपने को हादी करार दे करके, रहनुमा करार दे करके, हमारा बेहिखा खैर खा बता करके हम तुम्हें अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। उसने परवरदगार से क्या कहा था, लउज़य्यिनन्ना लहुम, हर बुरी चीज को अच्छा बना करके पेश कर, बुरे को बुरा कह के नहीं पेश करेंगे, बुरे को अच्छा बना के पेश करेंगे। लउज़य्यिनन्ना लहुम वलउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सबको गुमराह करेंगे सिवाय तेरे मुखलस बंदों के, उन पर मेरा जादू चल न सकेगा। तो शैतान जैसा लुटेरा, शैतान जैसा डाकू, शैतान जैसा रहजन रहबर की शक्ल में हमारे सामने आने को तैयार है। शैतान और उसके चेले फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, लिहाजा ज़रूरी है कि हम रहबर को पहचाने, वो रहबर जिसे अल्लाह ने रहबर करार दिया है, ताकि लाइलमी में बेखबरी में मारे ना जाएं। ऐसा ना हो कि बेखबरी में रहबर को छोड़ के रहजन के पीछे चल पड़े, जो वाकई हादी हैं उन्हें छोड़ करके उनके पीछे चल पड़े जो हमें गुमराह करने पर तुले हुए रहते हैं। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद आले मोहम्मद पर, तो हादी का वजूद बहुत अहम है लेकिन उसी के साथ साथ उसकी मारिफत भी बहुत अहम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक दुआ जो मनकूल है, दुआ ये है अल्लाहुम्मा, आप हजरात अक्सर आप लोग जो है वो नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते भी हैं, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक, खुदाया हमें अपनी मारिफत अता कर दे, फइन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सक ला आरिफो या लम आरिफ रसूलक, अगर तेरी मारिफत हासिल न होगी, अगर तू अपने को न पहचानवाएगा तो फिर हमें तेरे रसूल की भी मारिफत न हो सकेगी। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी रसूलक फइन्नका इन लम तुअर्रिफ रसूलक लम आरिफ हुज्जतक, खुदाया अगर तू अपने रसूल को न पहचानवाएगा, अगर तू अपने रसूल की मारिफत हमें न देगा तो फिर हम तेरी हुज्जत को भी न पहचान सकेंगे, जिन्हें तूने हादी बना करके भेजा है उन्हें भी न पहचान सकेंगे। वइन्नका इन लम तुअर्रिफ हुज्जतक वललतु अन दीनी, मेरे माबूद अगर तू अपनी हुज्जत को न पहचानवाएगा, उनकी मारिफत हमें न देगा तो हम अपने दीन से गुमराह हो जाएंगे। दीन पर तभी बाकी रह सकते हैं जब हमें उन हादियों की मारिफत हो जिन्हें अल्लाह ने हादी बना करके भेजा है। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक शख्स आता है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, आके इमाम से सवाल करता है, मौला अय्युल अमाल हुवा अफ़ज़ल बादल मारिफा, मौला ये बताइए कि अल्लाह की मारिफत के बाद सबसे बेहतर अमल कौन सा है। इमाम ने जवाब दिया मा मिन शैइन बादल मारिफा
यादिलो हाउज़े सलात। अल्लाह की मारिफत के बाद कोई भी अमल इस नमाज का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमल, जितनी भी अमल हैं, नमाज का मुकाबला कोई अमल नहीं कर सकता। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि वला बादल मारिफते वस्सलात शैउन यादिलो अज़्ज़कात। और नमाज और मारिफत के बाद कोई अमल ऐसा नहीं है जो ज़कात का मुकाबला कर सके, जो ज़कात की बराबरी कर सके। वला बादा ज़ालिक शैउन यादिलो अस्सौम। और ज़कात के बाद कोई ऐसा अमल नहीं है जो रोज़े की बराबरी कर सके। वला बादा ज़ालिक शैउन यादिलो हज। और रोज़े के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हज की बराबरी कर सके। सबसे अहम मारिफत, मारिफत के बाद नमाज, नमाज के बाद ज़कात, ज़कात के बाद रोज़ा, रोज़े के बाद हज। उसके बाद इमाम फरमाते हैं वा फातिहतो ज़ालिक मारिफतुना व खातिमतुहु मारिफतुना। और इन सब से पहले, नमाज से भी पहले, ज़कात से भी पहले, रोज़े से भी पहले, हज से भी पहले हमारी मारिफत ज़रूरी है। इनसे पहले भी हमारी मारिफत ज़रूरी है और इनके बाद में भी हमारी मारिफत ज़रूरी है। ये आमाल तभी तुम्हें काम देंगे जब ये हमारी मारिफत के दरमियान पाए जाएं। सलावात भेजेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसीलिए तो पैगंबर ने फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इत्रती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। मैं अपने बाद तुम्हारे दरमियान दो गिरां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम इनके दामन से वाबस्ता रहोगे गुमराह न होगे। ये दोनों चीज़ें वो थी जो इंसान की हिदायत के लिए हैं। एक हादीए सामित है, एक हादीए नातिक है, एक खामोश हिदायत करने वाली किताब है, दूसरे बोलते हुए हिदायत करने वाले अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम। जब तक इनके दामन से वाबस्ता रहेंगे गुमराह न होंगे, क्योंकि हादी मतलब ही यही है। अलबत्ता वो हादी जो मोतबर हादी हो, जो सच्चा रहनुमा हो, नामुमकिन है कि इंसान उसके पीछे चले और गुमराह हो जाए। लन तज़िल्लु बादी कभी गुमराह न होगे। अलबत्ता एक बात याद रखो लन यफ़्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौर। ये कभी एक दूसरे से जुदा न होंगे, जहां होंगे दोनों साथ होंगे, या दोनों होंगे या दोनों न होंगे। पैगंबर कहना चाहते भूल के भी ये ख्याल मत करना इन दो में से किसी एक को अपना लेंगे तो काम चल जाएगा। कुरान को अपना लेंगे, अहले बैत को छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। अहले बैत को अपना लेंगे, कुरान को छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। पैगंबर फरमाते हैं जहां कुरान हो अहले बैत न हो वो कुरान कुरान ही नहीं है, जहां अहले बैत हो और कुरान नहीं है वो किसी और के अहले बैत होंगे, हमारे अहले बैत नहीं है। इनमें जुदाई नामुमकिन है। अगर अपनाना है तो दोनों को अपनाओ, छोड़ना है तो दोनों को छोड़ो। हो ही नहीं सकता है वो कुरान हो और अहले बैत न हो, अहले बैत हो और कुरान न हो। पैगंबर ने अगर कहा इसलिए अहमियत हिदायत के तौर पर, हादी खुदा हादी है, पैगंबर हादी है, कुरान हादी है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लिल्लाह अलन्नास हुज्जतैन। अल्लाह ने लोगों को दो दो हादी दिया है, एक अंदरूनी हादी है, एक बैरूनी हादी है। एक हमारे वजूद के अंदर पाया जाता है, एक हमारे वजूद से बाहर है।
वजूद के अंदर वाले हादी को तकवीनी हादी कहते हैं और वजूद के बाहर वाले हादी को तशरीई हादी कहते हैं। अम्मल बातिना तो फल उकूल, वो हादी जो हमारे वजूद के अंदर है उसे अक्ल कहते हैं और वो हादी जो हमारे वजूद से बाहर है अम्मा ज़ाहिरा तो फल अंबिया और रसूल, जो हमारे वजूद से बाहर हादी है उन्हें अंबिया और रसूल कहा जाता है। तो अल्लाह हादी है, अक्ल हादी है, रसूल हादी है, इसी तरह से अइम्मा हादी है। कुरान कहता है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, कुछ अफराद हैं जिन्हें हमने इमाम बनाया, काहे के लिए इमाम बनाया है, यहदूना बिअम्रिना, उन्हें इमाम हमने हिदायत के लिए बनाया है, वो इमाम हैं, हादी हैं, हिदायत हमारे अम्र की तरफ करते हैं। अवहैना इलैहिम फ़िअल खैरात व इक़ाम अस्सलात व इता अज़्ज़कात, हमने उन पर वही कर दी है तमाम खैर की, तमाम अच्छाइयों की, तमाम नेकियों की। अगर नेकी चाहते हो तो इनके दर पे जाओ, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। इक़ाम अस्सलात इता ज़कात, नमाज कायम करने की वही कर दिया है, ज़कात अदा करने की वही कर दिया है। अभी तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, नमाज सिंबल है इबादत खुदा का, ज़कात सिंबल है खिदमत खल्क खुदा का, ये इबादत खुदा के भी मजहर हैं और खिदमत खल्क खुदा के भी आईनादार हैं। वकानू लना आबदीन, ये वो हस्तियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी इबादत करती हैं। अजीजो आज की शब इसी सिलसिले हिदायत व इमामत की एक कड़ी की शहादत की शब है, जो सिर्फ आबिद नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन इमाम सज्जाद। आपका नाम यूं तो अली है, आपकी विलादत सन 38 हिजरी में हुई, तारीख में इख्तलाफ है, बाज रवायतों में है कि 5 शाबान को आपकी विलादत हुई है, बाद रवायतों में है कि 15 जमादियुल अव्वल को आपकी विलादत हुई है। आपकी शहादत सन 95 में हुई है, तारीख शहादत में भी इख्तलाफ है, बाद तारीखों में है कि 25 मुहर्रम आज इसकी शब है और बाद रवायतों में है 12 मुहर्रम, 12 मुहर्रम की भी रवायत है, 25 मुहर्रम की भी रवायत है, और अहले बैत के चाहने वाले दोनों तारीखों में इमाम का गम मनाते हैं। कुल 57 बरस की उम्र पाई है इमाम ने, 57 बरस में से 34 बरस आपकी इमामत के अय्याम हैं। सन 61 में इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपने मनसब इमामत को संभाला और सन 95 में आपकी शहादत हो गई, यानी 34 बरस आप मनसब इमामत पर फायद रहे हैं। नाम आपका अली है, नाम अली है, अलका बहुत सारे हैं, मशहूर तरीन लकब ज़ैनुल आबिदीन है। देखिए आमतौर से हमारे यहाँ अलकाब दोस्त देते हैं, अहबाब देते हैं, चाहने वाले देते हैं, इमाम का मोजज़ा ये है कि अक्सर अलकाब आपके वो हैं जो आपके दुश्मनों ने दिए हैं, और ये वो अलकाब हैं जिससे आपके फजाइल व कमालात का पता चलता है। हर लकब एक फजीलत की तरफ इशारा करता है, एक कमाल की तरफ इशारा करता है। अलबत्ता ज़ैनुल आबिदीन का लकब खुद खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का दिया हुआ है। जनाब अबू ज़र फरमाते हैं कि मैं एक दिन रसूल खुदा की खिदमत में गया, मैंने क्या देखा कि रसूल खुदा की आंखों से आंसू जारी हैं, आप रो रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपके रोने का सबब क्या है? पैगंबर ने फरमाया अभी अभी जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने आके ये खबर दी है कि मेरे हुसैन के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम
अली होगा। दुनिया वाले उसे अली के नाम से जानेंगे, लेकिन आसमान वाले उसे ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। इतनी इबादत इमाम ने की कि ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब पड़ गया। फिर पैगंबर फरमाते हैं इस अली ज़ैनुल आबिदीन के यहाँ एक बेटा होगा जिसका नाम ज़ैद होगा, जिसे शहीद किया जाए। अहले सुन्नत के चार फ़िरके हैं, मालिकी, हम्बली, शाफ़ई, हनफी। हनफी इमाम अबू हनीफा के पैरो हैं, शाफ़ई इमाम शाफ़ई के मानने वाले हैं, हम्बली इमाम अहमद हम्बल के, मालिकी इमाम मालिक बिन अनस के मुकल्लिद और पैरो हैं। इमाम मालिक बिन अनस रवायत करते हैं, उनकी रवायत है, वो कहते हैं कि मैं भी हज पे गया हुआ था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हज पे गए हुए थे। जाहिर सी बात है, जब हज का पहला रुकन क्या है, हज का पहला अमल इहराम बांधना है, और जब इंसान इहराम बांधता है तो जबान से क्या कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तल्बिया जिसे कहा जाता है। इसके बगैर इहराम मुनाकिद नहीं हो सकता, जिस तरह से नियत नमाज में अल्लाहु अकबर के बगैर मुनाकिद नहीं हो सकती है, इहराम भी बगैर तल्बिया के मुमकिन नहीं है। कहते हैं अब ये अजमत खुदा, मारिफत खुदा, खौफ खुदा का ये आलम है कि इमाम ने जैसे ही इहराम के लिए कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, गश खा करके जमीन पर गिर पड़े, गश खा करके जमीन पर गिर पड़े। किसकी बारगाह में जा रहे हैं? लब्बैक का माना क्या है? माना ये ना है कि अरे खुदा हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं, तूने बुलाया हम आ गए, यानी खुदा की बारगाह में आ गए। उसकी अजमत का एहसास मालिक बिन अनस के बाद कहते हैं कि ज़ैनुल आबिदीन हर रोज शबो रोज मिला करके रोज आना 1000 रकात नमाजें पढ़ते थे। ज़ैनुल आबिदीन का लकब यूं ही नहीं मिला है, बताते हैं कि सिवाय अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कोई कोई हस्ती ऐसी नहीं थी जिसका जिसकी इबादत का मुवाजना इमाम सज्जाद से किया जा सके। इतनी इबादत आपके थी। आपके कनीज से पूछा गया, कहा गया कि इमाम की सिफात को मुख्तसर से लफ्जों में बयान कर दो, दो जुमलों में बयान कर दो, तो कहती है मैंने कभी भी इमाम के लिए दिन में दस्तरखान नहीं लगाया और रात में बिस्तर नहीं बिछाया। सौइमुन नहार क़ाइमुल लैल, हमेशा वो दो दिन ईद उल फितर ईद उल अज़हा जिसमें रोज़ा रखना हराम है, उसके अलावा हर दिन इमाम सज्जाद रोज़ा रखा करते थे और रात भर इबादतों में मसरूफ रहा करते थे। ये इबादत का आलम है। इसलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, ज़ुस्सफ़नात, मुख्तलिफ नामों से आपको याद किया गया जो इबादत के पहलू को उजागर कर। एक लकब आपका और था अमीन, अमीन यानी अमानतदार, जो किसी की अमानत में खयानत न करे। वो आप जानते हैं इस्लाम में अमानतदारी को बहुत अहमियत दी गई है। इस सिफत के बगैर मोमिन मोमिन नहीं हो सकता। जहाँ कहीं मोमिनीन के सिफात बयान किए गए हैं वहाँ पर अमानतदारी का तस्करा ज़रूर किया गया है। चाहे सूरह मोमिनून में उठा करके देखें, जहाँ कदफ तहाल मोमिनून, मोमिन कौन, फेरिस गिनाते गिनाते यहाँ पर बयान किया था, मोमिन वो हैं जो अपनी अमानतों का ख्याल रखते हैं। और अमानतदारी इस्लाम का एक ऐसा हुक्म है जिसमें कोई छूट नहीं है, कोई इस्तिस्ना नहीं है। बहुत सारे कवानीन हैं इस्लाम के जहाँ छूट मिलती है, नमाज वाजिब है खड़े होकर के पढ़ना, लेकिन अगर बीमार हैं खड़े नहीं हो सकते हैं बैठ के पढ़ लो, बैठ नहीं सकते हो लेट के पढ़ लो, रोज़े की बड़ी अहमियत है, बीमार हैं छोड़ दो मत रखना, फिर कभी रख लेना, सफ़र के आलम में हो, है ना छूट, हर हुक्म में छूट है। लेकिन
अमानतदारी वो चीज़ है जिसमें कोई छूट नहीं है। सरकार सत्ती मरतबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सलासतुन लैसत लिअहदिन फीहिन रुख्सा, तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें किसी के लिए कोई छूट नहीं है। पहली चीज क्या है? ईफाउल वाद, अगर किसी से वादा कर लिया है तो वादे को पूरा करो। वादा खिलाफी जायज नहीं है। ले मुस्लिमिन काना हो मुशरिक, ये वादा चाहे मुसलमान से किया हो या मुशरिक को काफिर से किया हो। ये नहीं कहा मुसलमान के वादे को पूरा करेंगे, काफिर के वादे की क्या अहमियत। वादाउल अमाना, अगर किसी ने आपके पास अमानत रखवाई है तो सही और सालिम उसके मालिक तक लौटा दें, खयानत न करें। ले मुस्लिम इनकानत ओ मुशरिक, ये अमानत मुसलमान की हो या मुशरिक की हो फर्क नहीं है। वह बिरुल वालिदैन, और तीसरी चीज क्या है? माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव। अब माँ बाप चाहे अच्छे हो या बुरे, मुत्तकी और परहेजगार हो या गुनहगार, इनकलाबी हो या इनकलाब दुश्मन, विलायत फकी को मानते हो या ना मानते हो, अगर माँ बाप हैं उनका एहतराम वाजिब है। बकिया उनका हिसाब अल्लाह उनसे लेगा, उनके कुफर का हिसाब, उनके ईमान का हिसाब, अहले बैत की मोहब्बत का हिसाब, अहले बैत की दुश्मनी का हिसाब अल्लाह उनसे लेगा। तुम्हें उन्हें सजा देने का हक नहीं है। बिरुल वालिदैन मुस्लिमैन काना व मुशरिकैन, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताओ वो चाहे मुसलमान हो या मुशरिक हो। इमाम का लकब पड़ गया था अमीन, क्योंकि इमाम अमानतदारी को बहुत अहमियत देते थे। इमाम का कौल था, अगर मेरे पास मेरे बाप का कातिल उस खंजर को अमानत के तौर पर रखा दे जिस खंजर से उसने मेरे बाबा को ज़िबा किया था, मैं उसमें भी खयानत नहीं करूंगा। इसलिए इमाम का लकब अमीन पड़ गया है। इमाम अलैहिस्सलाम, मैंने दो दिन पहले या तीन दिन पहले अर्ज किया था, अभी भी इशारा मैंने किया था कि इस्लाम के दो बुनियादी पिलर हैं, दो बुनियादी सुतून हैं। एक का नाम है इबादत खुदा और दूसरे का नाम खिदमत खल्क खुदा। ना इबादत खुदा के बगैर इस्लाम मुकम्मल है और ना खिदमत खल्क खुदा के बगैर इस्लाम मुकम्मल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दोनों सुतूनों को इमाम ने अपने अमल से अजमत अता की। इबादत का हाल तो आप सुन चुके, इशारा मैं कर चुका, अब खिदमत खल्क खुदा का सुन लीजिए। खिदमत खल्क खुदा भी इमाम का तुर्रे इम्तियाज था। 100 खानदानों की किफालत करते थे, 100 खानदानों की मुकम्मल किफालत। खुसूसन अगर इमाम के ज़माने के हालात को देखे, इमाम कितनी सख्तियों में थे, कितनी परेशानियों में थे, हुकूमत की तरफ से कितना टॉर्चर किया जाता था, कितना तशद्दुद इमाम पर किया जाता था, उसके बावजूद 100 खानदानों की किफालत इमाम किया कर। कभी कोई साइल इमाम के दर से खाली हाथ वापस नहीं जाता था। अबू हमज़ा ये शमाली की रवायत है, कभी कोई खाली नहीं किया। चौथे इमाम की एक दुआ है, उस दुआ में इमाम फरमाते हैं अल्लाह को खिताब करके, या मल्ला युरद साइला वला युखय्यब आमिला, ऐ वो खुदा जो कभी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाता, ऐ वो खुदा जो किसी की उम्मीद को नाउमीदी में तब्दील नहीं करता। इमाम अगर खुदा को
इस लफ्ज़ से याद कर रहे हैं तो खुद इमाम भी अल्लाह के इन औसाफ के मजहर और आईनादार थे। कभी इमाम भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। अबू हमज़ा शमाली बयान करते हैं, इमाम के असहाब में से अजीम सहाबी हैं, दुआए अबू हमज़ा शमाली जो सहर माह रमज़ान में पढ़ी जाती है उसके रावी वही हैं, उन्हीं को इमाम ने सिखाया था। अबू हमज़ा कहते हैं जुमे का दिन था, मैंने सुबह की नमाज मस्जिद में इमाम के हमराह पढ़ी। नमाज पढ़ करके जब मस्जिद से बाहर निकले तो मैं भी इमाम के साथ साथ उनके घर आ गया। इमाम ने घर पहुंचते ही अपनी खादिमा से कहा, देखो आज जुमे का दिन है, जुमे के दिन में साहिल ज़्यादा आते हैं मांगने वाले, भीड़ रहती है, आम दिनों में इक्का दुक्का लोग आते हैं, हर जगह पे कुछ ख़ास दिन होता है जहाँ मांगने वाले ज़्यादा तादाद में आते हैं। देखो जुमे का दिन है, साहिलीन आए, कोई साहिल खाली हाथ जाने ना पाए, कोई साहिल खाली हाथ जाने ना पाए। ये मत देखना कि साहिल कौन है, पैसे वाला है कि गरीब है, जाहिल है कि पढ़ा लिखा है, अपना है कि पराया है, ये मत देखना। जो आ गया मांगने के लिए किसी को खाली हाथ वापस न करना। अबू हमज़ा शमाली कहते हैं मैंने इमाम से अर्ज किया, मौला हर साहिल तो मुस्तहक नहीं होता, आज भी ऐसा ही होता है, हर वो आदमी जो आपके पास मांगने आया है ज़रूरी नहीं कि वो मुस्तहक हो भी, अक्सर ये होता है मुस्तहकीन शरीफ होते हैं, वो मांगते नहीं, हाथ नहीं फैलाते हैं, लेकिन जो मांगने वाले आते हैं ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जिन्होंने अपना पेशा बना लिया है, मुस्तहक नहीं है, हकदार नहीं है, लेकिन आसान बिजनेस यही है, आसान कमाई का जरिया ऐसे समझ रखा है भीख मांगने को। इमाम फरमाते हैं कि जो भी आए, अबू हमज़ा कहते हैं मौला सबके सब तो हकदार नहीं होते हैं, सब तो मुस्तहक नहीं होते, आपने कैसे कह दिया, आप क्या गैर मुस्तहकीन को दे देंगे। इमाम ने फरमाया अबू हमज़ा ये भी तो मुमकिन है जिसे हमने लौटा दिया है गैर मुस्तहक समझ के, हो सकता है वही मुस्तहक। मुझे खौफ है इस बात का कि मैं किसी मुस्तहक को खाली हाथ लौटा दूं और खुदा हमारे खानदान पर भी वही बला नाजिल कर दे जो याकूब और उनके खानदान पर नाजिल। 10 गैर मुस्तहक को मिल जाए वो बेहतर है इस बात से कि एक मुस्तहक को हम खाली हाथ लौटा दें। तो इमाम की सखावत का आलम यह था। इमाम 100 घरों की किफालत किस तरह से करते थे, नौकर से कहें जाओ फला के यहाँ आटा पहुंचा दो, फला के यहाँ चावल पहुंचा दो, फला के यहाँ घी पहुंचा दो, फला के नहीं, नौकर थे गुलाम मौजूद थे मगर इमाम खुद अपने कांधों पर लाद के रात में निकलते थे मुसल्ला छोड़ करके। इबादत अपनी जगह, याद रखिएगा इबादत की अहमियत अपनी जगह है, खिदमत खल्क खुदा की अहमियत अपनी जगह पर, अपने कांधों पे लाद के जाते थे, घर घर पहुंचे थे, दक्कुल बात किया, दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद सामान रख करके आगे बढ़ गए। जब लेने वाला घर दरवाज़ा खोलता था देखता था सामान तो रखा हुआ है लाने वाला कोई नहीं है, पता ही नहीं चलता था ये कौन है, कौन है जो हमारा पेट भर रहा है, कौन है जो हमारे दरवाजे पर रोजी ला रहा है। तो इमाम की शहादत हो गई और सामान आना बंद हो गया तब लोगों को पता चला कि वो कौन था जो रात की तारीकी में, इसलिए इमाम खुद ले जाते थे कहीं ऐसा ना हो कि गुलाम और कनीज रात पास कर दें और जिसके घर इमाम जिसकी मदद करते हैं उसकी तौहीन कर दें। याद रखिएगा जिसकी मदद करते हैं उसकी इज्जत को नीलाम करने की कोशिश मत कीजिएगा। इज्जत नफ्स बहुत बड़ी चीज़ है, कुरान मजीद कहता है अगर मदद कर रहे हो एहसान मत जताना, ला तुब्तिलु सदकातकुम बिलमन्न वल अज़ा, अपने सदकात को एहसान जता के तकलीफ पहुंचा करके बातिल मत करार दे दो। किसी पर एहसान, गुलाम हैं इनको तो इतनी मारफत नहीं ना है, इनकी सलाहियत इतनी नहीं है, इनमें इतनी ज़रफ़ियत नहीं है, कल बाजार में कहीं तू तू मैं होंगे, अरे अरे तुम क्या बोलते हो, मेरे मौला ना होते तो तुम भूखे मर जाते हो, मेरा मौला है जो तुम्हारे घर खाना भेजता है, लोगों को पता चल जाएगा ना। इसलिए इमाम गुलामों का इस्तेमाल नहीं, खुद ले करके जाते थे।
शहाबुद्दीन जोहरी, शहाब जोहरी जो है तो ईमान का शागिर्द मगर बनी उमैया के दरबार से वाबस्ता है, बड़ा आलिम है, अहले सुन्नत के यहाँ बड़ी उसकी कदर व कीमत है, शागिर्द ईमान है। उसका बयान है, एक ठंडी रात थी, ठंडी रात में मैंने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन अपने कांधे पर सामान उठाए ले जा रहे हैं। मैंने कहा हुजूर कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं, ये क्या है? इमाम ने फरमाया ये ज़ादे सफ़र है, एक सफ़र दरपेश है, उसका सामान एक मुतमईन जगह पे रख रहा हूँ कि बाद में जब जाना होगा तो ले जाऊँगा। शाह दोहरी कहता है कुछ अर्सा गुजर गया मगर मैंने देखा इमाम तो मदीने ही में हैं, सफ़र पे नहीं गए। तो शहाब जोहरी ने कहा कि मौला आप तो कह रहे थे सफ़र पे जाना है, आप गए नहीं। इमाम ने फरमाया तुम जिस सफ़र को समझ रहे हो ये वो सफ़र नहीं है, ये सफ़र सफ़र आखिरत है, मैं तोशे आखिरत ले करके जा रहा था। जिस वक्त इमाम ने कहा मैं ज़्यादा सफ़र ले जा रहा हूँ, शहाब जोहरी ने कहा मौला मेरा ग़ुलाम हाजिर है वो उठा लेगा, आप कहाँ से हमें मुझे दे दीजिए मैं उठा लूँगा। इमाम ने फरमाया नहीं, हर शख्स को अपना बोझ खुद ही उठाना चाहिए। आप फिक्र देखें, थिंकिंग देखें, ये ज़्यादा सफ़र है जो मैं ले करके जा रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ भी अगर मांगने वाले आते ही रहते हैं, सबके यहाँ आते रहते हैं मांगने वाले, दो किस्म के मांगने वाले होते हैं, एक तो वो आ गए जो पहली मरतबा आए हैं, हम इन्हें जानते नहीं थे कि ये मांगने वाले हैं, अच्छे खासे सूटेड बूटेड ठीक ठाक कपड़ा पहने हुए आए, घर में आकर के बिल बचाया, कौन है जी फला साहब है उनसे मुझे मिलना है, हम नहीं समझ रहे कौन है, आए फौरन मुलाकात किया, लाके बैठाला भी उनको चाय पानी भी करा दिया, जी कैसे आना हुआ, जी मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, 10,000 रुपये की जरूरत, अब तो फंस गए ना। कुछ वो हैं जिन्हें हम भी पहचानते हैं, हमारे घर घर का बच्चा बच्चा जानता है, हमेशा आते जाते रहते हैं, वो जब आते हैं दरवाजे ही से बच्चे कहे, बच्चे भी जो है वो ट्रेन हो चुके होते हैं ना, नहीं 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 पापा घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है। हम आमतौर से जब मांगने वाले हमें दिखाई देते हैं तो हम उनसे छुपना चाहते हैं, वो हमारे लिए बोझ, हम उन्हें बोझ समझते हैं, मुसीबत समझते हैं, बला समझते हैं अपने लिए। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शेवा कुछ और था, जब कोई मांगने वाला आता था दूर से दिखाई देता था साहिल आ रहा है, इमाम कहते थे वेलकम वेलकम खुशामदी मरहबा मरहबा बेमई यहमलो ज़ादी इलाखिरा खुशामदी खुशामदीन, वो आया है जो हमारा ज़्यादे सफ़र उठा करके ले जाएगा, जो बोझ हमें ले जाना है आखिरत के लिए अब ये उठा करके ले जा रहा। लेकिन क्योंकि जो कुछ इसे देंगे अल्लाह उससे बेहतर वहाँ हमें लौटाएगा जहाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। क्या थिंकिंग है, क्या नज़रिया है, क्या लॉजिक है इस सिलसिले में, ये आलम था आपकी खिदमत खल्क का ये आलम था। असल फरीजा उसकी तरह इशारा करके मैं जिसको तमाम करूँ, थोड़ा सा वक्त शायद आज बढ़ जाए, शब शहादत इमाम है, अब पूरी चीज़ों को बयान करना तो खैर मुमकिन नहीं होता, लेकिन एक हद तक बात तो कामिल हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इमाम अलैहिस्सलाम की असल जिम्मेदारी क्या है? हिदायत की जिम्मेदारी है। जालना हो माई मतन यहदूना बे अम्रना, हमने इन्हें इमाम बनाया है, काहे के लिए इमाम बनाया है? हिदायत के लिए। तो ये अल्लाह की तरफ से इनका फरीजा है हिदायत का। याद रखिए अल्लाह जिन्हें जिम्मेदारी देता है, ड्यूटी देता है, फिर वो ड्यूटी निभाने में कोताही नहीं करते, कोई बहाना वहाँ नहीं चलता, तो क्या करें हालात ऐसे, हम जैसे लोग होते हैं ना फौरन हालात का बहाना कर लेते हैं, अरे अरे आपको पता नहीं है कोरोना फैला हुआ है, ऐसे आलम में कौन सफ़र करेगा, ऐसे आलम में कौन जाएगा, कौन अपनी जान को खतरे में डालेगा, हज़ार बहाने हमारे पास होते हैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए। लेकिन जो अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा आता है, जिसका रब अल्लाह से होता है, वो हालात के सामने हथियार नहीं डालता है, हालात की वजह से अपना रास्ता नहीं बदलता है, बल्कि हालात को बदल देता है जो अल्लाह की तरफ से आने वाला नुमाइंदा होता है। इमाम के जिम्मे हिदायत का फरीजा है, हिदायत की जिम्मेदारी है। जिन हालात में इमाम ने इमामत का मनसब संभाला है, इतना सख्त जमाना किसी इमाम का न था जितना इमाम सज्जाद का था। किस वक्त इमामत की जिम्मेदारी संभाला है? जब सब शहीद हो चुके थे, जब खैमे में आग लगी हुई थी,
उन हालात में इमाम सज्जाद ने इमामत की जिम्मेदारी संभाली, और जब जिम्मेदारी निभाने चले हैं, आलम ये है हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में खारदार टोप है, माँ बहनें बेरेदार, रस्सियों में जकड़ी हुई, असीरी की आलम में निगाहों के सामने हैं, ये वो हालात हैं। बड़े से बड़े हौसले वाले का भी हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन इस आलम में भी इमाम ने अपनी हिदायत की जिम्मेदारी से कोताही नहीं बरती, आंखें नहीं फेरी हैं। सिर्फ एक नमूना आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, 12 मुहर्रम का वक्त, 10 मुहर्रम को शहादत हुई है, 11 मुहर्रम को असीर किए गए हैं, 12 मुहर्रम को कूफा पहुँचे हैं। कूफे में आने के बाद अब जिम्मेदारी है ना, इन्हें बताएं, कूफियों के जहन को वाजे करें, किस गफलत में पड़े हुए हो, इन्हें एहसास दिलाएं कि तुम कितने बड़े जुर्म के मुर्तकिब हो गए हो। जो करबला में आए थे मुकाबले में वो भी, और जो कूफे में रह करके जिन्होंने खामोशी अख्तियार की थी, सुकूत अख्तियार किया था और हुसैन का साथ न दिया था, कितने बड़े जुर्म और गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। इमाम मजमा लगा हुआ, किसका मजमा है, मजमा किस लिए आया है, मजलिस सुनने आया है, तकरीर सुन, तमाशा देखने आया है अजीजो, तमाशा देखने आया है। तमाशाइयों के दरमियान में तकरीर करना कोई मामूली काम नहीं होता है। इमाम उनके दरमियान आने के बाद कहते हैं, मन अरफनी फकद अरफनी, जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, वह मन लम यारिफनी अना उअर्रिफुहु बिनफ्सी, जो मुझे नहीं पहचानता है मैं उसे पहचानवाऊंगा, मैं कौन हूं, अना अली इब्नुल हुसैन इब्नु अली इब्न अबी तालिब, मैं हुसैन का बेटा अली हूं, वो हुसैन जो अली का बेटा है, वो अली जो अबू तालिब का बेटा है, पहचान लिया मैं कौन हूं, और सुनो मैं कौन हूं, अनबनो मन तुहे कात हुरमतो, अनबनो मन तुहे कत हुरमतो, मैं उस हुसैन का बेटा हूँ करबला में जिसकी बेहुरमती की गई है, वो हुसैन जिसका एहतराम पैगंबर किया करते थे उसकी तुमने बेहुरमती की है। वसोलेबत नेहमतो वन तुहे बा मालहु वसोबे आयालो, मैं हुसैन का बेटा हूँ जिसकी नेमतों को छीना गया, जिसका माल लूटा गया, जिसके अहले हरम को असीर करके दरबदर फिराया जा रहा है। अनानुल मज़बूह बिशक्तिल फुरात बगैर दखलिन वला तुरात, मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिसे फरात के किनारे बेजुर्म खता ज़िबह कर दिया गया। अनबन मन कुतिला सब्रन वकफा बिज़ालिका फख्रा, मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिसे तड़पा तड़पा के कदबा किया गया है, मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिसे तड़पा तड़पा के मारा गया, और हुसैन को फख्र करने के लिए यही एक मुसीबत काफी है। उसके बाद इमाम फरमाते हैं, अय्युहन नास अंशिदुकुमुल्लाह, ऐ लोगों मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दिलाता हूँ, हल तअलमूना अन्नकुम कतबतुम इला अभी फखदअतुमू, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दिला करके पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, क्या तुम नहीं जानते, तुम्ही ने मेरे बाबा को खत लिखा था, तुम्ही ने मेरे बाबा को बुलाया था, नुसरत का वादा किया था, और उसके बाद तुमने धोखा किया उनके साथ, आते तुम हो अल अखदा वल मीसाक वल बया, तुमने मेरे बाबा से अहद किया था, तुमने मेरे बाबा के हाथों पर बैत की थी, तुमने अहद व पैमान मेरे बाबा के साथ बांधा था, मगर उसके बाद तुम्ही ने उन्हें कत्ल भी कर दिया। तब्बन लिमा कद्दम तुम ले अनफुसकुम व सौअतन लिरायकुम, अरे वाय हो लानत हो तुम्हारे उस आमाल पर जो तुमने आखिरत के लिए अपने आमाल भेजे हैं, बुरा हो जलील और रुस्वा हो तुम्हारी राय, तुम्हारा फैसला
بأيت عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول, किन आंखों से तुम पैगंबर के चेहरे पे नजर डालोगे जब पैगंबर तुमसे ये कहेंगे कतल तुम इतरती, हमारे कुलबे को तुमने ज़िबह कर दिया, कतल तुम इतरती वंत हक तुम हुरमती, हमारा लिहाज भी न किया, हमारी भी हुरमती कर लिया, फलस्तुम मिन उम्मती, अब तुम्हारा मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब पैगंबर क्या ये जुमले इमाम सज ऐसे आलम में ऐसे हकायक को आशार करने वाले जुमले सुनकर के कोफी दंग रह गए, एक दूसरे से कहने लगे हम किस मुसीबत में फंस गए, हमें एहसास भी नहीं है। अजीजों यही वो जुमले थे जिसने कूफे पर असर किया, जिसकी बिना पर तवाबीन की तहरीक चल सकी, जिसकी बिना पर मुख्तार का इनकलाब आ सका। यही कूफा तो है ना, इसी कूफे से इतने हुसैन के जानसार उठ खड़े हुए। इससे बड़ा मारका तो उस वक्त है जब इमाम सज्जाद इब्ने ज़ियाद के दरबार में आए हैं। इब्ने ज़ियाद से गुफ्तगू होती है, झुंझला गया इब्ने ज़ियाद, इब्ने ज़ियाद को तो उम्मीद ही न थी, एक रसन बस्ता शिकस्त खुर्दा जिसका पूरा कुनबा मारा जा चुका है, जो इंतहाई अलयाज़ु बिल्लाह इंतहाई ज़िल्लत और रुसवाई के साथ हमारे सामने खड़ा है, इतनी शुजाआना गुफ्तगू करेगा, इतनी दिलेराना बातें करेगा, खफा होकर के गुस्से में आकर के इब्ने ज़ियाद इमाम सज्जाद को धमकियां देने लगा, कत्ल कर दूंगा तुम्हें। इमाम फरमाते हैं अतुहद्दिदुनी बिल कत्ल इब्ने ज़ियाद, ए ज़ियाद के बेटे तू मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, अमा अलिमता अन अल-क़त्ल लना इबादा व करामतन अश-शहादा, क्या तुझे पता नहीं है कि कत्ल हो जाना राह खुदा में तो हमारी आदत है, हमारे लिए शहादत हमारे लिए शरफ की बात है। कौन कह रहा है? वो जिसे हम आफत बीमार कहते हैं, जिसे हम लाचार और नातवा के तौर पर पेश करते हैं। अभी दो ही दिन तो हुआ है पूरे कुलबे को शहीद हुए, ऐसे आलम में भी इमाम ने हिदायत का फरीजा अंजाम दिया। वक्त नहीं रह गया कि मैं बकिया तफसीलात आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, फ़कत फहरिस्त गिना देता हूँ। इमाम ऐसे इमाम को तकरीर करने की इजाज़त नहीं थी, तकरीर नहीं कर सकते थे इमाम, इमाम क्लास से दर्स तश्कील नहीं दे सकते थे, लोगों पर सख्ती थी कि इमाम के करीब मत जाना, लोग इमाम के करीब इमाम से लोग मुंह मोड़ चुके थे। इमाम फरमाते हैं माँ बे मक्कता व मदीना इश्रूना रजुलन युहिब्बुना, करबला के बाद मक्के और मदीने में 20 अफराद भी ऐसे नहीं रह गए थे जो हम अहले बैत से वाकई मोहब्बत करते। लोग डरते थे इमाम के करीब जाने से, ऐसे हालात में हिदायत तो करना है, रहनुमाई के फराइज तो अंजाम देना है। तीन चीज तीन जरिया इमाम ने इख्तियार किया अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए, एक दुआ का सहारा लिया और एक गुलाम और कनीज को लाके घर में तरबियत करके उनको आज़ाद करते थे। तफसील नहीं बयान कर सकता फिलहाल, याद रखिएगा जो दर्जा अमीरुल मोमिनीन के खुतबों का है वही दर्जा इमाम सज्जाद की दुआओं का है। इमाम मौलाए कायनात के खुतबे नहजुल बलागा में जमा हैं, इमाम सज्जाद की दुआएं सहीफ़े सज्जादिया में बज़ाहिर ये दुआ हैं लेकिन दर हकीकत इस्लामी तालीमात का समंदर है। कौन सा ऐसा मौजू है जिस पर इमाम ने तकरीर नहीं की है? माशियात पे तकरीर की है, फौज कैसे तश्कील पाती है, सियासत कैसे की जा सकती है, हुकूमत कैसे की, ये सारी चीज़ों के पर इमाम ने उसमें रोशनी डाली है। तीसरा जरिया जो इमाम ने इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए हिदायत के लिए इस्तेमाल किया है वो है करबला की याद, क्योंकि करबला इस्लाम का मुजस्सम अमली नमूना है। करबला एक आशूर के दिन हुसैन ने पूरा इस्लाम अमली तौर पर पेश कर दिया है। इमाम सज्जाद की पूरी कोशिश है करबला को लोग भूलने ना पाए। अगर करबला जिंदा है
इस्लाम भी जिंदा है। करबला से अगर ये किसी को वाकिफियत हो गई, इस्लाम से आशनाई हो जाएगी, हिदायत का इससे बेहतर जरिया नहीं हो सकता। इमाम की पूरी कोशिश थी करबला भूलने ना पाए। आप सुना है ना, जब तक इमाम जिंदा रहे बाबा को रोते रहे, बाबा का मातम करते रहे। अजीजों, ये जज्बाती रोना नहीं है, ये हिदायत का रोना है, हिदायत के लिए रोना है। रोते थे, क्यों रो रहे हैं? कहीं करबला भूलने ना पाए। रावी आता है, आने के बाद कहता है मौला कब तक रोइएगा, बहुत दिन गुजर गया। इमाम फरमाते हैं बिलहाल तुमने इंसाफ न किया। याकूब का एक बेटा यूसुफ उनकी निगाहों से ओझल हो गया था। याकूब इतना रोई कि आंखें सफेद हो गई। हाय हमारे 18 यूसुफ हमारी निगाहों के सामने तरे तेज कर दिए गए। इमाम कसाईयों के बाजार से गुजर रहे हैं, कसाई की दुकान पर खड़े हो गए, पूछते हैं भाई तुमने ज़िबह करने से पहले इस जानवर को पानी पिलाया था? हाँ मौला, हमारा तो तरीका यही है, हम बिना पानी पिलाए जानवर ज़िबह नहीं करते। एक दफ़ा करबला का रुख करके खड़े हो जाते थे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अरे जानवर को भी पानी पिला के ज़िबह करते हैं, लेकिन मौला आपको प्यासा ज़िबह कर दिया गया। जहाँ मौका मिलता है हर फुर्सत से इमाम इस्तेफादा करते हैं करबला को जिंदा रखने के लिए। यही शहाब ज़ुहरी, इसका मैंने तस्करा किया, है इमाम का शागिर्द मगर दरबारी है, बनी उमैया के दरबार से वाबस्ता है, बड़े ओहदे का मालिक है, मगर इमाम का मोतकिद भी है, अकीदत भी रखता है इमाम से। उसके बेटे की शादी थी, आया है इमाम के पास, मौला मेरे बेटे का वलीमा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे के वलीमे में शरीक हों। इमाम कहते ज़ुहरी, जब से मेरा बाबा करबला में मारा गया है मैंने खुशी की तकरीबात में शिरकत करना छोड़ दिया है। शहाब ज़ुहरी का इसरार है, नहीं मौला आपको आना है, आपको आना है। जब इसरार बहुत बढ़ा तो इमाम ने एक शर्त रखा। अजीजों, उस वक्त तक इज्तिमाई तौर से मजलिसें नहीं होती थी, चुपके से किसी के घर में दो आदमी इकट्ठा हो करके नाम हुसैन ले लेते थे, लेकिन बाकायदा मजमा इकट्ठा हो, खतीब मिंबर पे जाए, मसायब करबला बयान करे, इसकी इजाज़त न थी। इमाम ने कहा एक शर्त पे आऊँगा। मौला क्या शर्त है? का शर्त ये है तुम अपने यहाँ शादी में मेरे बाबा की मजलिस का इंतजाम करो, मेरे बाबा की मजलिस का इंतजाम करो तो मैं ज़रूर आऊँगा। ज़ुहरी ने कबूल कर लिया। अब चूंकि हुकूमत का आदमी है उसके लिए परमिशन लेना मुश्किल न था, परमिशन ले लिया। मजलिस से हुसैन मुनक़िद हुई, सैयद सज्जाद मजलिस में तशरीफ़ लाए, ज़ुहरी ने ला कर के सदे मजलिस में इमाम को बैठाया, ज़ाकिर मिंबर पे गया, करबला के वाक़यात बयान करने लगा। लोग रो रहे हैं, गिरियों बुका कर रहे हैं, सर झुका हुआ है। जब लोगों में मजलिस खत्म हो गई, जब सर उठा तो क्या देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मौजूद नहीं है। इमाम को सदरे मजलिस में बैठाया गया था, अब जो तलाश किया तो क्या नजर आया, इमाम वहां बैठे हैं जहां मजलिस हुसैन में आने वाले आज़ादारों की जूतियां रखी हुई है। शहाब हाथ जोड़ के आगे बढ़ा, अरे मौला आप यहाँ कहाँ आके बैठ गए, आपकी जगह तो सदरे मजलिस में। ए शहाबे दोहरी, जो मेरी आंखें देख रही है वो तू नहीं देख रहा है, मौला क्या देख, अरे मेरी दादी फातिमा ज़हरा लानतुल्लाह अला कौमे ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ बारेलाहा, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। माबूद सदके में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के हमें तौफीक इनायत फरमा कि जिन हादियों को अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए इमाम बना करके भेजा है, हम उनकी हिदायत से फैज़याब हों, उसे समझें और उनकी हिदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। पालने वाले सदके में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के शियान हैदर करार, मुहिब्बान अहले बैत अतहार,
زائران سید الشہداء عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. معبود نے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا. مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم حضرت کے آوان و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه و انصاره. سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان. سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان. تین دن گزرے کھڑی ہے, تین دن گزرے کھڑی ہے فاطمہ کی بیٹیاں. سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان. سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان. شام والے ہنس رہے ہیں بے قصوں کو دیکھ کر. شام والے ہنس رہے ہیں بے قصوں کو دیکھ کر. ہے چراغا چار سور سج رہے ہیں بامدے. باب ساعت پر رکا ہے بے قصوں کا کارواں. سامنے دربار کے جاد کا ہے یہ کیسا امتحان. سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان. خون روتا ہے جو عابد اس کو یہ احساس ہے. خون روتا ہے جو عابد اس کو یہ احساس ہے. فاطمہ زہرا کی چادر شامیوں کے پاس ہے. دیکھ کر کہتی ہے زینب میرے غازی ہو کہاں. سامنے در غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان. سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان. سر علی اکبر کا نیزے پر اٹھاتے ہیں سخی. سر علی اکبر کا نیزے پر اٹھاتے ہیں سخی. سن چکی سترہ اذانے بیردا بنت علی. رو رہی ہے ہے اذان سن کر علی اکبر کی ماں. سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان. سامنے دربار کے
दिखा है ये कैसा इंतहां, मिसले जहरा से झुकाए शामियों में आ गए, मिसले जहरा से झुकाए शामियों में आ गए। चार बरसों में सकीना पर ज़ईफ़ी छा गई, कान भी जख्मी है गालों पर तमाचों के निशान, सामने दरबार के गैरत सज्जाद का है ये कैसा इंतहान, सामने दरबार के गैरत सज्जाद का है ये कैसा इंतहान। खून के आंसू टपकते है सरे शब्बीर से, खून के आंसू टपकते है सरे शब्बीर से, पूछती है जब सकीना ज़ैनबे दिलगीर से, ऐ फूफी अम्मा यहाँ से कब चलेगा कारवां, सामने दर गैरत सज्जाद का है ये कैसा इंतहान, सामने दरबार के गैरत सज्जाद का है ये कैसा इंतहान, मिसले जहरा से झुकाए शामियों में आ गई, मिसले जहरा से झुकाए शामियों में आ गई। चार बरसों में सकीना पर ज़ईफ़ी छा गई, कान भी जख्मी है गालों पर तमाचों के निशान, सामने दरबार गैरत सज्जाद का है ये कैसा इंतहान, सामने दरबार के गैरत सज्जाद का है ये कैसा इंतहान। सबसे मुश्किल मैं खलासा जाद पे यावर ये था, सबसे मुश्किल मैं खलासा जाद पे यावर ये था, शाम के दरबार में जब काफिला जाने लगा, पड़ रही थी इन्ना लिल्ला उस घड़ी सब बीबियां, सामने दरबार के गैरत सज्जाद का है ये कैसा इंतहान। देख कर बेकसी भतीजे की, बोली रो रो के ये ज़ैनब लाचार, अब न बरसाओ पुश्त पर कोड़े, मर न जाए कहीं मेरा बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, बीमार कैदी है बीमार, कैदी
हर लम्हा कोड़ों की हसीयत दूरों की बोछार, हाय मेरे बीमार की गुर्बत किससे करे फरियाद, आए किससे करे फरियाद, हाय किससे करे फरियाद। सब रास्ते कांटों से भरे हैं चलना है दुश्वार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी। सब्र की है हयूब तुम्हारे पास कहाँ तस्वीरें, धूप है सी जलने लगी है लोहे की जंजीरें, हाय लोहे की जंजीरें, हाय लोहे की जंजीरें। सारे बदन में पड़ गए छाले चलना है दुश्वार, कैदी है बीमार, कैदी, कैदी है बीमार, कैदी। कैद सितम में मौत चहाई बिनत शहे मुज़्तर को, खून भरे कुर्ते में ये कहकर दफन किया फाखर को, हाय दफन किया फाखर को, हाय दफन किया फाखर को। तुमको कफन भी दे नहीं सकता भाई है लाचार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। तोके गिरा है गर्दन में और पैरों में जंजीरे, सर है झुकाए शर्म के मारे इब्न शहे दिलगीर, हाय इब्न शहे दिलगीर, हाय इब्न शहे दिलगीर। सारे बदन में पड़ गए छाले, हाय मेरा बीमार, कैदी है बीमार, कैदी, कैदी है बीमार, कैदी। थाम के बेड़ी वक्त सफर रो रो के कहाँ मौलाने, कैसे कटेगा शाम का रास्ता ये तो खुदा ही जाने, हाय ये तो खुदा ही जाने, हाय ये तो खुदा ही जाने। ऐसी है कुछ जोर और नकाहत चलना है दुश्वार, कैदी है भी, कैदी है बीमार, कैदी है। मुमकिन है मौला ने कहा हो लाश जरी के पास, देख सको तो देख लो आकर मेरे चचा अब्बास, आए मेरे चचा अब्बास, आए मेरे चचा अब्बास। आपका बेटा बन के चला है कुंभे का सालार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। शर्म मुझे खाए जाती है, काश अभी मर जाऊं, उस मंजर को देख सकूं तो ताब कहां से लाऊं, हाय ताब कहां से लाऊं, हाय ताब कहां से लाऊं। बेपरदा है माँ बहने और शाम का है बाजार, कैदी है भी, कैदी है बीमार। शाम की जानिब कैसे चली थी पैगंबर की हाल, कैसे पढ़ेगा हामिर उसको, कैसे लिखूं मैं बिलाल, हाय कैसे लिखूं मैं बिलाल, हाय कैसे लिखूं मैं बिलाल। आगे आगे नेज़े पर था फर्क शहे अबरार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार।